हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक वीडियो लेके आया हूँ मैं आज, और दिस इज़ अगेन अबाउट द होंडा हाइनेस। नहीं, मेरे पास तो है RS 350, बट इट्स द सेम फॉर द RS 350 एंड द हाइनेस वुड ऑल्सो हैव द सेम थिंग्स पॉसिबली, नॉट श्योर। मैं अपने RS के बारे में ही बताऊँगा। सक्सेसफुल DIY किया, देर इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। DIY में तो मैं बहुत अच्छा हूँ नहीं, ये तो मैं हमेशा बोलता आया हूँ। तो क्या किया बाइक में, बैक रेस्ट लगवाया। अब बैक रेस्ट क्यों लगवाया, बैक रेस्ट मैंने लगाने का जो मेन पर्पस है, दैट इज बिकॉज जब मैं ट्रिप पे जाता हूँ, जो मैं पंगोट ट्रिप किया था बाइक को लेके, RS 350 को लेके और सनशाइन को लेके, लेट्स से जब मैंने क्लॉ को हैंग किया पीछे, तो ऑल थ्रू आउट द वाइल मेरे को एक ना फीलिंग आ रही थी कि बैग पीछे की तरफ जा रही है, बिकॉज इसका जो सीट है काफ़ी फ्लैट है, स्टॉक सीट कहूँ अगर, बहुत फ्लैट है। और आई गेस इट्स कॉल्ड द बेंच सीट। बांध तो मैंने सही से दिया था बैग को, बट देन अगेन ऐसा लग रहा था मैं जब चल रहा हूँ बाइक को लेके ऊपर, बैग पीछे की तरफ खिसक जाए और बैग गिर जाए बाइक से और डिसबैलेंस हो जाए बाइक, ये सब थॉट्स चल रहा था मन में। और इसी के चलते मैंने ये सोचा था कि एक बैक रेस्ट लगवाऊँगा, नॉट ओनली फॉर द लुक्स फैक्टर बट फ्रॉम द पॉइंट के उसमें मेरा बैग एकदम सिक्योर हो जाएगा। जो क्लॉ मिनी मैं यूज़ करता हूँ वायटर का, या कोई भी अगर मैं कोई और उसके ऊपर मैं बैग रखता हूँ, तो इट विल गेट सिक्योर्ड विद दैट। मेरे को टाई करने का और ऑप्शन मिल जाएगा। एक इसका ये ऑप्शन भी आता है जाना वाला, मैंने देखा था। जाना प्रोडक्ट्स, आई मीन दे आर वेरी गुड, आई हैव यूज्ड देम मायसेल्फ इन द पास्ट ऑन माय प्रीवियस बाइक्स, बट देन अगेन समहाउ मेरे को ऑलवेज लगा कि वो ओवर प्राइस्ड है। एनीवेज, मैंने सोचा था टॉप रैक की तरफ ना जाते हुए जस्ट आई विल गो फॉर द बैक रेस्ट। बैक रेस्ट का और एक मेरा पर्सनल रिक्वायरमेंट यह है कि मैं जब बाइक ट्रिप पे जाता हूँ तब मेरे को ट्राईपॉड रखने का बहुत दिक्कत होती है। गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी में कहीं भी रख लो ट्राईपॉड को, बट इसमें बाइक में क्या होता है, ट्राईपॉड को आप पीछे रख दो, उसके साथ अगर सिक्योर करके आप बांध दो ना, तो योर ट्राईपॉड विल रिमेन सेफ एंड योर बैग विल रिमेन सिक्योर, यू विल हैव अ पीस ऑफ माइंड ऑल थ्रू आउट। इसी को चलते मैंने ये बैक रेस्ट देख रहा था काफ़ी टाइम से, इधर उधर अमेज़ॉन में देख रहा था, डिफरेंट वेबसाइट्स और देखे, तो मैंने फाइनली जो वाला लिया तो ये है सहारा सीट्स करके, आप अमेज़ॉन में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो अगर आप खरीदते हो तो खरीद सकते हो, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। इसको मैंने DIY कर लिया। DIY करने के लिए मैं जो टूल किट यूज़ करता हूँ ये है स्टैनली का, और अगेन कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, तो दिस हैज़ बीन माई गो टू टूल किट। और इसमें जो मेन आपका जो ज़रूरत पड़ने वाली है, आई मीन रैचेट एंड स्क्रू ड्राइवर, वो तो है ही आप इस DIY के लिए, वो है ये दोनों। ये ऐसा आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा। इंस्टॉलेशन वॉज आई वुड से ओके टाइप, बिकॉज इसका क्या है ना, RS का जो डिज़ाइन है, एक तो आपको सीट को पूरा खोलना पड़ेगा, बिकॉज नॉर्मली दूसरे बाइक में जो होता है चाबी से पीछे का सीट पॉप अप हो जाता है, बट इसका पूरा एक सिंगल सीट है, तो आपको ये चाबी से नहीं खुलती है, they will have to use Allen key and that is where this Allen key would come into the picture. दोनों साइड में Allen key से खोलना पड़ेगा तब जाके आपकी सीट खुलती है। देन जो मैंने बैक रेस्ट लगवाया वो इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट सारा सीट्स का जो यूट्यूब चैनल है उसमें देर इज एन इंस्ट्रक्शन वीडियो, तो वो देख लिया, वो देख के समझ आ गया। आई मीन ओवरऑल इट वॉज वेरी ईजी, बट सिंस आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ नूब व्हेन इट कम्स टू DIY, तो थोड़ा सा हिचकिचाया, बट अल्टीमेटली थोड़ा 40 मिनट के आसपास टाइम लगा मेरे को, मैंने कर लिया। और एक चीज़ आपको सैक्रिफाइस करना होगा इसमें, क्या वो है, ये जो स्टॉक ग्रैब रेल्स आता है ना, जो बाइक के सीट के ऑलमोस्ट नीचे ऐसे लगे होते हैं, तो ये दोनों को आपको सैक्रिफाइस करना होगा। बाकी बाइक कैसा दिख रहा है वो मैं आपको कल सुबह जब फुटेज लूँगा तो मैं ऐड ऑन कर दूंगा इस वीडियो के साथ। तो यही मेनली बोलना था इस वीडियो में और ये दिखाना था। मेरे को इनिशियली लगा कि मेरा जो सैडल स्टे लगा हुआ है वो भी मेरे को खोलना पड़ेगा, बट थैंकफुली वो नहीं खोलना पड़ा। तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। बाकी और कुछ अगर मैं हेल्पफुल कंटेंट मिलता है तो मैं करता रहूँगा, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस आता रहेगा। ट्रिप पे पता नहीं कैसे कब जा पाऊँगा, तो ट्रिप पे जाऊँगा तो ट्रिप का वीडियोज़ भी आता रहेगा, वरना ऐसे छोटे छोटे हेल्पफुल कॉन्टेंट आता रहेगा बीच बीच में। तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर व्लॉग एंड वीडियो। पसंद आए तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। बोल ही दिया फ्लो में, नॉर्मली मैं सब्सक्रिप्शन पिचिंग बंद कर दिया हूँ अपने वीडियोस में, क्योंकि कोई करते नहीं है सब्सक्राइब, जो भी हो आते हैं देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब करते नहीं हैं लोग, तो बेकार गला फाड़ फाड़ के बोलने का क्या फ़ायदा।
लोगों को करना होता है, लोग कर देते हैं, वरना कितना भी तरीके से कितने भी एनिमेशन के साथ करोगे लोग नहीं करते सब्सक्राइबर। उसका उसका जीता जाता प्रूफ ये आ रहा है आपका आपके स्क्रीन पे, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रूफ। एनी वेज लेट्स नॉट क्रिब अबाउट दैट, आई कैन नॉट चेंज पीपल एंड देयर हैबिट्स। तो ऑन दैट नोट टेक केयर, राइड हार्ड, राइड सेफ एंड बी गुड। एंड न्यू ईयर से पहले अगर कोई और व्लॉग आया तो ठीक, अदरवाइज हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन, मेरी क्रिसमस टू एवरी वन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। ये DIY करके लगाने के बाद अभी ये है सॉलिड बिल्ट, ये वाला जो हट गया है ग्रैब रेल वाला पार्ट, इसको साफ करना पड़ेगा, बाद में धूल मिट्टी जम गई है। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द बैक। यहाँ पे मैं अपने चैनल का एक स्टिकर लगा दूँगा बाद में, अभी मिला नहीं कहाँ पे रख दिया। दिस सेक्शन नाउ लुक्स नाइस, इसके थ्रू ये आ रहा है, व्यू अच्छा आ रहा है फ्रॉम द राइट हैंड साइड। दिस इज़ हाउ इट लुक्स।